डीआईजी ने जनपद संभल में महिला थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। महिला थाने के संचालन से महिलाओं को न्याय मिलने में सुलभता होगी। डीआईजी मुरादाबाद ने जनपद संभल की भेजोई पुलिस लाइन में महिला थाने का फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जनपद संभल को गठन हुए 10 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जनपद में महिला थाने का कार्यालय संचालित नहीं हो पा रहा था। पुलिस लाइन भेजोई में महिला थाने का कार्यालय स्थापित हुआ है। महिलाओं को सुलभ न्याय दिलाने की एक पहल की गई है, जिससे महिलाओं के अपराधों में कमी आ सके और महिलाओं को न्याय मिल सके। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला थाना जो है पहले पुलिस ऑफिस के अंदर संचालित था, जो कि स्पेस के अंदर काम करता है। अभी पुलिस लाइन का चिन्हीकरण का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और भविष्य में आगे जाके महिला थाने का भी प्रस्ताव उसी के अंदर है। बट वर्तमान में क्योंकि जो पुलिस ऑफिस में चल रहा था उससे थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर हो रही थी, स्पेस कम था, तो ये मंडी समिति के अंदर महिला थाने को अभी इनॉग्रेट किया गया है और यहाँ पर महिला थाने से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वहीं पर पूरी तरह से कर दी गई हैं, क्योंकि पुलिस कार्यालय से दूर भी नहीं है। और ये यहाँ पर एक जिस तरह से शिफ्टिंग का काम किया गया है, स्पेस बढ़ाई गई है ताकि इससे बेहतर तरीके से हम लोग अपना वर्क कर पाएँ। दूसरी जो चीज़ है, हजरत नगर गढ़ी जो थाना है, जो कि इस साल उसका पार्टनर रेस हुआ था, उसको वहाँ पर चालू किया गया है। तो जगह स्पेस थी और वो पहले मुरादाबाद के जो रिजर्वेशन के अंदर ये जब चेंज हुआ था 2011 में, दो जिले बने थे, तब से यहाँ के लोगों की डिमांड थी, तो उस चीज़ को चालू किया गया। इसके बाद यहाँ राजपत्र अधिकारियों के साथ एक बार मीटिंग करके जो भी संदर्भित बिंदु है उस पर चर्चा की जाए।